हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट 2019 बुकलेट कोड ए। कहता है क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट की रीडिंग ले लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसकी जो थ्योरी है आपको हमारे ऑनलाइन क्लास के अंदर मिल जाएगी, जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है 3 जनवरी 2020 से। उसके अंदर जो है आप CSIR नेट की कंप्लीट स्टडी की थ्योरी मिल जाएगी आपको, और जो आपका सेट का एग्जाम है इसके अंदर भी आप की जो थ्योरी है सारी की सारी सेम है नियर अबाउट। थोड़ा सा ही फिर जो है चेंजिंग है, फिर आप क्या कर सकते हो, इजिली आप जो है ऑनलाइन क्लास को स्टडी करके आप अपने सेट एग्जाम को और CSIR नेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट। If a matrix capital A has characteristic polynomial x minus 1 x square plus 1, then which of the following statement about matrix A is true? First option, A is diagonalizable over real number, A is triangularizable over complex number। ये आपको क्या given है? Triangulable। Triangulable का मतलब triangularizable, वो इतना लंबा लिखना का जो है प्रयास कर नहीं पा रहा था, वो क्या कर दिया? Triangulable। इसका मतलब ये क्या है? ट्रायंगुलराइजेबल ओवर रियल नंबर। सी ऑप्शन कहता है ए इज इनपोर्टेंट, डी ऑप्शन ए इज इनवर्टिबल। ठीक है, आपको जो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन के अंदर आपको कितने ऑप्शन यहाँ पे ट्रू मिलते हैं? वन ऑप्शन आपका ट्रू मिलता है। और कितने मार्क में पूछा जाता है? टू मार्क के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होनी चाहिए, उसके ऊपर जो थ्योरी है, थ्योरी के ऊपर आपका काफी अच्छा कमांड होना चाहिए। यदि आपके थ्योरी के ऊपर कमांड है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। इसलिए जो है यदि आपकी थ्योरी कन्फर्म नहीं है तो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पहली बात ये है कि आप अपने थ्योरी को हार्ड बनाइए, उसके ऊपर जो है आप स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। पहले आपको थ्योरी को कंप्लीट स्टडी कर लेनी है, फिर इसके बाद जो आपसे जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। इसलिए जो है आपको थ्योरी को जो है किसी न किसी तरीके से स्टडी करना है। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर जो है कहीं से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारा जो ऑनलाइन क्लास है वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है 2020 से। ठीक है, और इसके लिए जो हमारी ऑनलाइन क्लास है इसके ऊपर हमने आपको एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसके अंदर हमारी जो फीस वगैरह है इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, और हमारा जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से वर्क करने वाले हैं उसको भी हमने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29, ये आपका जो है यहाँ से देखिए आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आपको गिवन है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपका जो है इसको हमने क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ एक्स किसके अंदर है, एक्स के अंदर क्या गिवन है आपको x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आपको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, इसको इक्वल टू जीरो करके इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 और प्लस माइनस आयोटा। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है। इसकी तीन आइगन वैल्यू है, कितनी आइगन वैल्यू है, तीन आइगन वैल्यू है। अब यहाँ पे कहता है इफ अ मैट्रिक्स ए हैज कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल दिस, देन व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैट्रिक्स इज ट्रू। इसकी सभी की सभी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, डायगोनलाइजेबल होगी। क्या होगी मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसकी एवरी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। बट यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाइए, कहता है ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर रियल नंबर। रियल नंबर ने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता तब तो ये आपका ऑप्शन ट्रू हो जाता, बट ये कहता है ओवर रियल नंबर नहीं, इसकी आइगन वैल्यू सभी के सभी रियल तो नहीं है, इसकी दो आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है हमारी ये हमारी डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन। जब ये आपकी डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं तो ये आपकी ट्राइंगुलराइजेबल ओवर आर भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू रियल नहीं आई हुई है,
ये आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो चुका। कहता है ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, और आपको पता है कि जो आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसकी सभी की सभी आइगन वैल्यू जीरो होती है, बट इसकी कोई भी आइगन वैल्यू जीरो आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो चुका है। डी ऑप्शन कहता है ए इज इनवर्टिबल। इसका यदि हम प्रोडक्ट करें, क्या करें, इसका प्रोडक्ट करें, तो क्या इसका प्रोडक्ट जो है जीरो आ रहा? नहीं। यहाँ पे क्या होगा, वन इंटू प्रोडक्ट करें, वन इंटू आयोटा। डिटर्मिनेंट आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट आपका यदि नॉन जीरो होगा तो मैट्रिक्स आपकी इनवर्टिबल होगी। डिटर्मिनेंट के नॉन जीरो होने से मैट्रिक्स आपकी इनवर्टिबल होगी, डिटर्मिनेंट के जीरो होने से मैट्रिक्स आपकी नॉट इनवर्टिबल होगी, ठीक है। और यदि हम इनवर्टिबल नॉन इनवर्टिबल की बात करें तो इस तरीके से, यदि हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात करें तो देखिए, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का जीरो होगा तो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर, डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होगा मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर। प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू वन इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस ऑलरेडी है माइनस वन, क्या हो जाएगा आपको वन मिल जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या जीरो आया है, नहीं, इसका डिटर्मिनेंट आपको जीरो नहीं आया है, तो डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है, मैट्रिक्स आपकी इनवर्टिबल होगी। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।